आज की वीडियो में एक्सेल फार्मूला सीरीज में सबट्रैक फार्मूला को डिटेल के अंदर समझेंगे। सबट्रैक फार्मूला किस तरह से यूज किया जाता है आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में पहले से वैल्यू मैंने टाइप की हुई है और इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 89 में से 55 को माइनस करना है, सबट्रैक करना है, इक्वल प्रेस करना है, फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है, माइनस सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड एंटर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। अब हमें सेकंड जो थ्री वैल्यूज टाइप हुई हैं इसमें 215 में से 89 को माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 55 को माइनस करना है। सिंपल, इक्वल फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू एंड एंटर। 300 में से इन तमाम वैल्यूज को माइनस करना है। इक्वल फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया माइनस, अब इन तीनों वैल्यू का हमें सम चाहिए तो सम करेंगे इसको, सम ब्रैकेट ओपन, इन तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखें ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, 300 में से इन तमाम वैल्यूज को हमने माइनस कर दिया। अब हमें हर वैल्यू में से 9 माइनस करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया माइनस 9 सेल्स के एड्रेस को फिक्स कर देंगे, सिलेक्ट करके F4 प्रेस किया एंड एंटर। तो तमाम वैल्यूज में से 9 जो है वो माइनस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सबट्रैक्ट का फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।